हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 6:30 और मेरा खाना बनने लगा है। देखो आप लोग गैस दिख रही होगी, तो मैं चलती हूँ किचन में, दिखाती हूँ क्या मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पर दूध बाबू को खौला दिया है, और अब थोड़ा सा गर्म मौसम होने लगा है तो बार बार, मतलब कि दो बार तो दूध गर्म करना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैंने घी निकाला है, ये इतना सारा मलाई है, इसको मैं गर्म करूँगी तो निकलेगा घी। और यहाँ इतना सारा इसमें छाछ निकल आया है, तो इसकी बनाऊँगी मैं कढ़ी। सो गाइस, आज बाबू के डैडी ने कुछ ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, तो आपको दिखाऊँगी कि क्या मंगवाया। मुझे नहीं पता है कि उसमें है क्या और कौन सी चीज़ है, मतलब कि छोटा सा बॉक्स है। मैं चलती हूँ बाहर, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं दिखाऊंगी कि क्या मंगवाया है भाई। तो पहले तो मैं मिलाती हूँ बाबू के डैडी से, और बाबू से, बाबू के डैडी आज ऑफ था, नहीं गए थे, छुट्टी कर ली थी, क्योंकि रोज़ ड्यूटी जा के बोर हो जाते हैं इसलिए। और यहाँ पे बाबू के डैडी बाबू को दूध पिला रहे हैं, बाबू के डैडी ले गए थे पार्क में। तो आपको तो क्या मंगवाया ऑनलाइन? इसमें है एक आईपैड। आईपैड? देखो खोल दे। मैं तो भाई पहली बार नाम ही सुन रही हूँ सिर्फ। तो इसमें क्या क्या रहेगा? मुझे नहीं, इसमें लिखने वाला रहेगा, अपने डिलीट हो जाएगा, लिखने वाला रहेगा। क्या प्राइस है? ये सारी डिटेल मैं आपको बने रही है हमारे ब्लॉग में। सो गाइस, और क्या है इससे, क्या क्या होगा, और ये कब मंगवाया था, मैं सारी डिटेल अभी मैं बताऊंगी। बने रहिए ब्लॉग में हमारे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, एक लाइक ज़रूर करिए। और आप लोग बहुत कम व्यू दे रहे हो, हमारा ढेर सारा व्यू, मतलब कि देखो आप लोग तो हमारा ढेर सारा व्यू आए और हमको भी अच्छा लगे। हम मेहनत करते हैं, इतनी सारी बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो, तो आप लोग हमारा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बने रही हमारे ब्लॉग में। और बार बार मैं कह रही हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मज़ेदार बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं क्या है इसमें। मैं ओपन इसको करती हूँ, पहले पढ़ लेती हूँ। इसका कलेक्ट अमाउंट है 160 रुपये। डिलीवरी एड्रेस मेरे आंगनबाड़ी का है, और इसको मैं करती हूँ ओपन। इसमें क्या है पहले? टैबलेट जैसा लग रहा है, टैबलेट जैसा लग रहा है, मुझे टैबलेट मिला था और ये टैबलेट ही जैसा लग रहा है। तो इसमें ये बाहर जैसा बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ऐसे ही होगा अंदर, मुझे लग रहा है ऐसा। खोलो। नमस्कार, दरअसल में ये पूरा प्रोडक्ट है 8.5 LCD राइटिंग टेबलेट फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये मतलब कि इतना अच्छा पैड है, आप इसकी इंजीनियरिंग देख के आप समझोगे कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये रहा इसके बॉक्स के अंदर, ये था, और जो हमको डिलीवर हुआ है एकदम से अच्छी क्वालिटी का डिलीवर हुआ है, कहीं से कोई क्रैक नहीं है, अच्छी प्लास्टिक इसमें यूज की गई है, आप देख सकते हैं पूरा। ये यहाँ पे पीछे सेल पड़ता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे ऑन ऑफ का ये है, लॉक कर सकते हैं, जो आपने लिखा हुआ है तो डिलीट नहीं होगा, और अनलॉक कर सकते हैं। ये इसकी बॉडी देखो कितनी अच्छी है। अभी देखो, अब आपको दिखाते हैं इसका कैसे यूज करना है। ये दरअसल मैंने अपने बाबू के लिए मंगाया है, अपने छोटे बच्चे के लिए, प्रियांश के लिए। इसी के साथ में ये इसका पेन है जिससे इसमें लिख सकते हैं, और ये जो बटन रही इससे डिलीट कर सकते हैं। इसमें खाली एक बार प्रेस करना है, क्योंकि इसमें सेल पड़ते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। देखिए स्क्रीन एकदम से इसकी क्लियर है, ब्लैक, तो कुछ लिख के दिखाते हैं आखिरकार यूज क्या होगा, ये देखने वाली बात है कैसे यूज कर सकते हैं इसको। छोटे बच्चों के लिए ये सही है, अपना आराम से उनको कुछ दे दो हाथ में तो अपना कुछ लिखते रहेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके का है ये, तो इसको ऐसे पकड़ सकते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये आराधना देवी, ये लिख गया, देखिए लिख गया। और इसको डिलीट करना है तो ऐसे करके प्रेस करके ये डिलीट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे प्रेस करना है ऐसे तरीके से, ये डिलीट हो गया। बटन काफ़ी टाइट दबती है तो अच्छी बात है ये, तो ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, मुझे लग रहा है ये टैबलेट काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। वैसे इसकी इंजीनियरिंग देखिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी चीज़ है, मतलब छोटी सी चीज़ है, बड़ी स्क्रीन। तो ये हमको मिला हुआ है 159 रुपये का, क्वालिटी इसकी अच्छी है, आप देख सकते हैं हाथ में कितना, जितना बड़ा फ़ोन रहता है उतना बड़ा इसका, मतलब कि विड्थ है इसकी, बाकी लेंथ तो इसकी काफ़ी डबल है, 8 इंच काफ़ी होता है।
तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मंगाया है इसको फ्लिपकार्ट से, तो इसकी क्वालिटी सही है इसलिए मंगाया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मंगाना चाहिए तो इसका ये रहा रिव्यू, आप इसको मंगा सकते हैं। बोलो तो मैं इसमें कैसे सेंटेंस लिखती हूँ अपने बाबू को पढ़ाया करूँगी आज से अनार, अपने बाबू को पढ़ाऊंगी मैं आज से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ डिलीट की बटन है, यहाँ पे इसको दबा दो, क्या बात है। क्यों बार बार रेजर पेंसिल का बच्चे यूं करते हैं तो, और ना ही इसमें ऐसी स्क्रीन है कि जो आंखों में लगेगी, आंखों में दिक्कत होगी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा एक बोर्ड की तरह है। और बोर्ड में मतलब कि वो हम लोग पहले मिटाते थे, वो क्या नाम उसका, डस्ट, वो आता था क्या नाम, चौक नहीं, चौक से लिखते थे, और डस्टर जो रहता था उससे हम लोग मिटाते थे। इसमें ऐसा है, बस बटन दबाओ और मिट जाएगा। और ये इसका पेन दिया गया है, इससे आप लिख दो अभी तक का मुझे लग रहा सबसे अच्छा और यूनिक प्रोडक्ट है ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, मैंने तो बाइक कभी ऐसा नहीं देखा है। और देखो प्रियांश यादव, और मारो डिलीट। आपने बाबू को अभी मतलब कि अभी थोड़ा सा मेरा बाबू बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं डेली की वर्ड उसको यूज सिखाऊंगी, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके सिखाना बच्चों को, इजली जो रहता है डेली के, तो मैं इसी में लिख करके सिखाऊंगी। बार बार कौन मिटाएगा इसमें यूँ दबाऊ। फिलहाल में ये सही प्रोडक्ट है, अगर आपने ऑनलाइन देखा भी है, सोच रहे हो पता नहीं कैसा होता है, हाँ। तो वाकई में अच्छा होता है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से भी बहुत सही है, क्योंकि बस 150 रुपए में मानूँ तो काफ़ी अच्छा है, और देखने में बिल्कुल टैबलेट जैसा लग रहा है, टैबलेट भी मेरे पास है, और काफ़ी हल्का भी है, मतलब कि बच्चे आराम से इजली पकड़ के इसमें आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें यहाँ पकड़ने का भी है, और यहाँ पर आप पेन भी रख सकते हैं ऐसे करके, ये पेन भी रखने का है, तो ये समझ लो कि टैबलेट का टेम्पर ट्रिक की तरह है ना। तो अगर गाइस ये प्रोडक्ट अच्छा लगे आप लोग भी मंगा सकते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और काफ़ी अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट। अगर आप लोगों के पास मतलब कि छोटे बच्चे हैं, या आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और छोटे भी बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी यूनिक भी, मैंने तो अभी तक देखा नहीं था कभी। गाइस अगर भी जो वीडियो अच्छा लगे मेरा, तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहिए हमारे वीडियो में, और ओके बाय बाय, टेक केयर।